नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष पटेल, MS ऑर्थो, विजयलक्ष्मी नर्सिंग होम जौनपुर से। आज मैं आपको प्लास्टर लगने के बाद उसकी क्या केयर करनी होती है, कैसे रख रखाव करना होता है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जब भी आपका कोई चोट लगती है तो प्लास्टर लगता है हड्डी टूटने पे, या कभी कभी मांस वगैरह में चोट होती है तब भी प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर के बाद एक तो पहली चीज़ है कि मरीज को हम ये बताते हैं कि जो आपका जो भी हिस्सा है जिसमें चोट लगी है उसको हमेशा अपने शरीर से ऊपर को उठा के रखना होता है, ताकि बाद में सूजन होती है तो सूजन वगैरह बहुत जल्दी कम हो जाती है, उससे सूजन बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। फिर दूसरी बात है, जो अगर हाथ में लगा है तो हाथ की उंगलियां, या अगर पैर में लगा है तो पैर की उंगलियां, ये सब बार बार समय समय पर चलाना होता है, उससे जो खून का बहाव है वो अच्छा हो जाता है और आपका जो सूजन के चांस होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको प्लास्टर को बचा के रखना होता है जिन चीज़ों से, जैसे कि पानी वगैरह है वो उसमें नहीं लगना चाहिए। पानी हो कि अगर अंदर चला जाएगा तो फिर कभी कभी चमड़ी में जो है बदबू वगैरह आने लगती है, कभी कभी बहुत कम केसेस में लेकिन इन्फेक्शन वगैरह भी होने लगता है, चमड़ी में दिक्कत आने लगती है। तो ये कोशिश करें कि अगर यदि आपको नहाना है तो अच्छे से उसको कवर कर लें प्लास्टिक से, प्लास्टिक बैग से या जैसे भी, और फिर उसके बाद अगर आपको नहाना है कुछ करना है तो फिर उसके वजह से करें, पानी से बिल्कुल बचा के रखना होता है। धन्यवाद।